जिस पैटर्न में बोलेगा उसी पैटर्न में दे देंगे। खुद बनाते हो? खुद मैन्युफैक्चरिंग है सर। अच्छा। हाँ, सारा कुछ अपना है, सेटअप है, कहीं किसी किसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में गैप बन जाता है। अच्छा। अगर बुश लगाएंगे तो उसमें गैप नहीं बनेगा, सालों साल चलेगा। अच्छा। इसमें जो वारंटी होती है, ये मशीन और ये जो है इनकी 2 साल की वारंटी है। भी मार्केट में जितने भी रूटर है उनको एक तो ये टक्कर दे रहा है। अच्छा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको एग्रीगेट कंपनी दिखा रहा हूँ, और ये जो कंपनी है यूपी की जानी मानी कंपनी है, और बहुत कम समय में इसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। क्या कंपनी नए नए इंप्लीमेंट बनाती है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ कंपनी से सर जुड़े हुए जो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सर का परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम मनोज है। अच्छा। और हमारी जो कंपनी है एग्रीगेट हापुड़ से। तो हमारे जो दर्शक भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले उनको ये बताओ आपकी जो कंपनी है जी कौन कौन से इम्प्लीमेंट बनाती है। सर, एग्रीगेट बीपीएल लेजर लैंड लेवलर में डील करती है। अच्छा। एग्रीगेट इंटरवीडर में डील करती है, और एग्रीगेट रोटावेटर में डील करती है। अच्छा। हाँ जी। तो आज की वीडियो में हमारे दर्शक भाइयों को क्या क्या इम्प्लीमेंट आप दिखाने वाले हो सर? सर, तीनों चीज़ें, अपना लेजर लैंड लेवलर भी है उसमें, और इंटरवीडर भी है, और रोटर एग्रीगेट रोटावेटर भी। अच्छा। हाँ जी, तीनों चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे खास क्वेश्चन करना चाहूंगा जी, क्या जो आप हमारे दर्शक भाइयों को यंत्र दिखा रहे हैं जी, आपके सब्सिडी में पास है सर? सर, सब्सिडी में पास है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सब्सिडी तो सबसे पहले बात करेंगे लेजर लेवलर के बारे में जी। इसके कितने मॉडल आते हैं आपके यहाँ पे? सर, इसके जो है तीन मॉडल आते हैं, एक रेगुलर मॉडल आता है, एक स्पोर्ट्स मॉडल आता है, और एक स्पोर्ट्स प्लस आता है। अच्छा। तीन मॉडल में डील करते हैं। तीनों मॉडल अपने यहाँ पे अवेलेबल? तीनों मॉडल अवेलेबल है अपने पास, किसान कभी भी आ सकता है, कभी भी लेके जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ जी, आप तो हापुड़ में बैठे हो जी, क्या आपके डीलर भी है भारत देश के अंदर? हाँ सर, डीलर भी है हमारे, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर भी, डीलर भी है? डीलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मतलब मान लो जो किसान मतलब यहाँ से 200-300 किलोमीटर देख रहा है, 500 किलोमीटर देख रहा है, तो वो परेशान नहीं होगा? वो परेशान नहीं होगा, उसको चीजें वहीं पे मिलेगी, वहीं पे अवेलेबल है सारी चीजें, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है, डीलर भी है। अच्छा। हाँ, किसी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जो मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है आपका? सर, ये जो मॉडल है हमारा, जो ये जो खड़ा है, ये रेगुलर मॉडल बोलते हैं इसको। रेगुलर मॉडल? रेगुलर मॉडल है, डबल टायर, जुक्ता टायर में बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसी में एक आता है आपका जो है स्पोर्ट्स मॉडल, एक स्पोर्ट्स प्लस मॉडल आता है। अच्छा। हाँ सर, तीन मॉडल। पेटी में क्या चीज है सर? सर, इस पेटी में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं। अच्छा। हाँ सर, जो एक वर्क करती है कंप्यूटर, इसके लेवलर के ऊपर होती है। अच्छा। एक मरगाड़ पर होती है। अच्छा। एक टीपाई पर होती है, जो ट्रांसमीटर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, ये जो मशीन है जी जी, कभी दिक्कत वगैरह आती है तो इनकी रिपेयरिंग वगैरह की सुविधा अपने यहाँ पे है? सर बिल्कुल है, अपना अपना सर्विस सेंटर है, अपनी लैब है। अच्छा। हाँ, सारा कुछ अपना है, सेटअप है, कहीं किसी किसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। अपने पास आओ, जो इसमें हम वारंटी देते हैं 2 साल की देते हैं। 2 साल की? 2 साल की देते हैं, 1 साल की किसान के खेत पे देते हैं, घर पे देते हैं। अच्छा। और 1 साल की जो देते हैं अपने सर्विस सेंटर हापुड़ की देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसके इसमें जो वारंटी होती है, ये मशीन और ये जो है इनकी 2 साल की वारंटी है, और जो ट्रांसमीटर होता है इसकी 1 साल की होती है। अच्छा। जी, मेरे को एक बात और बताओ, जैसे ये जो मशीन है जी, तो इनसे ऊपर कोई और भी मॉडल आता है या फिर यही मॉडल आपके पास? नहीं, ये टॉप मॉडल है सर। टॉप मॉडल मशीन जी। अच्छा, बाकी ये जो बकेट है सिंपल मॉडल बकेट है? हाँ, इसको रेगुलर मॉडल बोलते हैं, सिंपल वाली। अच्छा। जी, इससे ऊपर 2 मॉडल आपके और आते? हाँ जी, हाँ जी। कीमत में कितना डिफरेंस होता है वैसे सर? कीमत में होता है लगभग 35,000 से 40,000 रुपये। अच्छा। हाँ, तो ये जो बकेट है हमारे सामने जी, रेगुलर मॉडल आपका, तो क्या कीमत है वैसे इसकी सर? सर, ये जो इसकी जो कीमत है रेगुलर मॉडल की, इसकी 230 है। 230,000? 230,000। सब्सिडी में पास? सब्सिडी में पास है सर, लेजर कटिंग है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। सिंगल जैक मिलता है पीछे की साइड में? जी, चाहे पीछे की साइड में ले लो, चाहे साइड में ले लो आप। अच्छा। हाँ, ये क्या चीज है सर? सर, ये डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है जी। अच्छा, ये टूल बॉक्स हो गया इसका? ये टूल बॉक्स है सर। डबल टायर है? डबल टायर। टायर कौन सी कंपनी के मिलेंगे सर? टायर वैसे तो हम जेके के देते हैं, बट जो किसान बोलता है कि मुझे कोई सी भी कंपनी का चाहिए उसको दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। जैसे किसान की पसंद है वैसे टायर मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कलर की चॉइस है? कलर की भी चॉइस है, जो सा कलर किसान बोलता है वो कलर दे देंगे उसको। बिल्कुल, कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कीमत बताई आपने इसकी? इसकी बताइए सर, रेगुलर मॉडल की 230,000। अच्छा जी। हमें एक बात और बताओ, जैसे मान लो किसी किसान भाई के पास थोड़े पैसे कम है जी, तो क्या इस पे लोन की सुविधा है? सर, फाइनेंस की भी सुविधा है। कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए इसको? कम से कम 45 HP का ट्रैक्टर चाहिए। अच्छा। हाँ जी, 45 HP कर लेता है कवर। तो दर्शक भाइयों, अब मैं आपको दिखाऊंगा रोटावेटर, क्योंकि इसके बाद इसी का सीजन आने वाला है, और रोटावेटर जो होता है पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला एक यंत्र है। सर, हमारे दर्शक भाइयों को एक बात बताओ, जैसे रोटावेटर है, आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसान रोटावेटर खरीदता है? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। आज के समय में रोटावेटर सबसे ज्यादा बिकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दर्शक भाइयों को बताओ, जैसे किसी के पास छोटा ट्रैक्टर है जी, किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर है,
हर किस्म के किसान रहते हैं भारत जी 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 बिल्कुल। तो अपने रोटावेटर के साइज कितने फीट से कितने फीट के बनते हैं? सर हमारे पास लेके 2.5 फीट से। अच्छा 2.5 फीट से लेके और 8 फीट 9 फीट 10 फीट तक। अच्छा जी। बाकी मान लो किसी को 12 फीट का लेना है, 12 फीट का भी अवेलेबल मिला क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। तो अच्छा। जो जिस पैटर्न में बोलेगा उसी पैटर्न में दे देंगे। खुद बनाते हो? खुद मैन्युफैक्चरिंग है सर। अच्छा जी। इसका पेंट बहुत शाइनिंग मार रहा है, कौन सा पेंट करते हो? एक पाउडर कोटेड पेंट बोलते हैं इसको, भट्टी का पाउडर कोटेड पेंट। पाउडर कोटेड जी। यूपी कंपनी मतलब पाउडर कोटेड पेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। पंजाब वालों को फेल कर रहा है सर? बिल्कुल सर। अच्छा जी। बाकी ये कितने फीट का मॉडल है अपना? ये अपना 8 फीट का मॉडल है सर। अच्छा 8 फीट का मॉडल है जी। तो ये वैसे इसका मॉडल कौन सा है ये 8 फीट में? सर ये 8 फीट में सुप्रीम मॉडल है, टॉप मॉडल अपना। अच्छा जी। इसका गियरबॉक्स बहुत हैवी लगाया आपने सर? सर इसमें 13-23 का गियरबॉक्स लगा हुआ है। कितना ऑयल आता है इसमें सर? इसमें ऑयल आता है सर 3.5 लीटर। 3.5 लीटर जी। सर हमारे किसान भाइयों को एक बात बताओ, जैसे ये जी रोटावेटर आपका 8 फीट का रोटावेटर है तो इसमें आपने 4 स्प्रिंग दिए हुए हैं जी जी, तो 4 का बेनिफिट क्या होता है सर? सर बेनिफिट ये होता है जैसे इसका पीछे का मैड आया ये, इसको सपोर्ट मिलती है। अच्छा। कभी कभी किसान ऐसा होते हैं कि इससे बैक लगा के मिट्टी खिंचवा देते कोनों में। अच्छा। तो उनके बीच में से बैंड हो जाते हैं। अच्छा। तो इसको सपोर्ट मिलती है। अच्छा हमें एक बात बताओ जी सर, रोटावेटर है जी, आपने बताया था इसमें 4 स्प्रिंग मिलते हैं, 4 का फायदा आपने बताया जी जी, सेफ्टी होती है जी, ठीक है। और अब बात करूंगा मैं इसके ब्लेड के बारे में जी, ये कितने ब्लेड में है? सर ये ब्लेड हमारे 48 से स्टार्ट हो जाता है, 48 में 54 में और 60 में। अच्छा। हाँ जी सर, तीनों पैटर्न में अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी आपने यहाँ पे भी आपने 4 क्लिप लगाए हैं, ये क्लिप लगते हैं सर मजबूत आएगी किसान को। जब खेत में चलता है तो किसान को पहले प्रॉब्लम आती थी और रूटों में जो उन्होंने देखा, तो हम किसान के सेफ्टी के हिसाब से लगा के देते हैं क्लिप। अच्छा। हाँ जी, ताकि वो चले और चलने के बाद में किसान को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल जी। अच्छा यहाँ पर जो आपने नट लगाए हैं जी, अभी आपने 8.8 का लगाया ना जी जी, जो टॉप क्वालिटी का मटेरियल वो लगाया है? वो लगाया सर। अच्छा ये वेल्डिंग की है आपने? सर वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है ना? मिग वेल्डिंग सर। बिल्कुल जी। अच्छा हमें एक बात और बताओ, जैसे आपने बताया था कि 48 ग्रेड में मिल जाएगा, 60 में मिल जाएगा, 54 में मिल जाएगा जी, जैसी किसान की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा बाकी ये इसका टॉप हो गया? ये टॉप है सर। अच्छा जी। टॉप ये टॉप भी 8 mm का प्लेट में बना हुआ है सर। अच्छा 8 mm का है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे आपने बुश क्यों दिए हैं? सर ये ऐसा होता है जब चलता है ना रूटर, अच्छा किसान का जो टोपलिंग लगा होता है तो उसमें हिलने के बाद में गैप बन जाता है। अच्छा। अगर बुश लगाएंगे तो उसमें गैप नहीं बनेगा, सालों साल चलेगा। अच्छा। हाँ जी सर, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल जी, जी। सर इसमें जो आपने साइड में गरारी लगाई है जी जी, कितने नंबर की लगाई है? सर इसमें 20, 35, 28 का जोड़ लगा हुआ। अच्छा जी। बाकी इसमें जो आपने सामान लगाया रोटावेटर में जी, सभी मार्केट में अवेलेबल है? हाँ जी, मार्केट में कहीं पे भी ले सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट वालों से लेंगे, कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मार्केट से ले सकता है। अच्छा अभी धान का सीजन आने वाला है जी सर, तो इस रोटावेटर में आप सील वगैरह कौन सी लगाते हैं? सर मैकेनिकल, कोई मैग्नेटिक मैकेनिकल सीट लगती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कितना भी कदर करें बिल्कुल सर, लीक की दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। अच्छा सर ये जो रोटावेटर है इसमें 5 क्विंटल 20 kg वजन मिलता है जी सर, डिस्क साइड है बगैर डिस्क है? सर ये जो 5 क्विंटल इस पे प्लेट पे जो लिखा हुआ है विदाउट डिस्क के है। अच्छा। हाँ सर, और 30 से 35 kg की हमारी जो है एक डिस्क है। तो सिंगल डिस्क मिलेगी डबल डिस्क मिलेगी? सर 8 फुटे में हम डबल डिस्क दे रहे हैं किसान को। बहुत महंगा होगा मुझे लग रहा है। सर महंगा नहीं है, रीजनेबल रेट में ही है। अच्छा जी सर। क्या कॉस्ट है इसकी वैसे? सर डबल डिस्क के साथ में हम किसान को 1,08,000 में प्रोवाइड करा रहे हैं। 1,08,000 जी। तो सर ये जो रोटावेटर है ग्रीस में ऑयल में है? सर ऑयल में। ऑयल में? ऑयल में सर। तो दर्शक भाई आप देख सकते हैं 1,08,000 रुपए में डबल डिस्क मिलेगी आपको, 5 क्विंटल 20 kg वजन है विदाउट डिस्क के। तो दर्शक भाइयों देख सकते हैं आप लोग 8 फीट का रोटावेटर 54 ग्रेड में है, ठीक है। कीमत इसकी 1,08,000 रुपए है और इसका जो वजन है 5 क्विंटल 20 kg इसका वजन है विदाउट डिस्क के, 1,08,000 में आपको डबल डिस्क मिलता है, ठीक है। बाकी मैं आपको जो मॉडल दिखा रहा हूँ ये कितने फीट का रोटावेटर? सर ये भी 8 फुट का रोटर है। ये भी 8 फुट का है? हाँ जी। और ये? ये सर 6 फुट का है। 6 फुट का है जी। इसकी क्या डिमांड है? सर इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है, जैसे आज के डेट में किसानों के पास जो कम HP के ट्रैक्टर है तो कम HP के ट्रैक्टर पर चलता है 6 फुटा। अच्छा। हाँ जी सर। बिल्कुल। क्या कीमत है वैसे इसकी? सर इसकी कीमत जो रखी है हमने 87,000। अच्छा जी। बाकी 87,000 रुपये सब्सिडी में पास है? सब्सिडी में पास है सर। अच्छा। ये 7 फुट का हो गया? ये 7 फुटा हो गया सर। ये आ गया हमारा प्राइम मॉडल। अच्छा जी। 7 फुट के कितने मॉडल हैं आपके? सर हमारे 7 फुटे में 3 मॉडल हैं। अच्छा। सुप्रीम मॉडल, प्राइम मॉडल और एक्टिव मॉडल। अच्छा सर ये क्या चीज लगा है? सर ये है नोट छापने वाली मशीन। अच्छा जी सर। तो क्या नाम है इसका? सर इसका है सुगर कैन इंटरोवेडर। अच्छा। एग्रीगेट सुगर कैन इंटरोवेडर। बिल्कुल बिल्कुल। नोट छापने वाली मशीन। ब्लेड आते हैं इसमें? सर इसमें 36 ब्लेड आते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा इसका जो गियरबॉक्स है सिंगल स्पीड है या मल्टी स्पीड है? सर ये सिंगल स्पीड आता है इसमें। अच्छा जी। इसके मॉडल कितने आते हैं वैसे? सर इसमें 2 मॉडल हैं। अच्छा। जो सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल अपना यही है बंद वाला। बिल्कुल।
एक इसमें आता खुला ओपन बॉडी वाला। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे ये जो मोटर है ये 14 इंची में या फिर 16 इंची में है? सर दोनों पैटर्न में उपलब्ध है, 14 इंची में भी और 16 इंची में भी। अच्छा, यूपी कोड मिलता है, ठीक है, ये लेजर कटिंग आपको मिलती है, सब्सिडी में पास है ना ये वाला? सर यंत्र सब्सिडी में पास है, बट अभी गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी नहीं रखी है। आपकी तरफ से काम पूरा है ना? अपने कागज पूरे हैं, अपनी मशीन तैयार है, जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो इस पे मिलेगी किसान को। रकाब बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, इसको जो 14 इंची या 16 इंची होता है किसान के अकॉर्डिंग जो है इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जैक है, यहाँ पर जैक का सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे जो जैक लगता है। अच्छा। सर ये तो सॉफ्ट है जी, ये कितने एमएम में आती है? सर ये 60 mm में आती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी, आपने इसमें इतना हैवी काम क्यों किया है? सर हैवी इसलिए दिया है, जो भी मार्केट में जितने भी रूटर हैं उनको एक तो ये टक्कर दे रहा है। अच्छा, किसानों की सबसे पहली पसंद है, क्योंकि इसमें वेट 6 क्विंटल प्लस में है। 6 क्विंटल ज़्यादा वजन है? हाँ जी, 6 क्विंटल से ज़्यादा वजन है, और जब खेत में चलता है तो किसान को वही चीज़ पसंद है जो दब के चले और जम के चलती है। अच्छा, इसमें कोई मेंटेनेंस तो नहीं है? नहीं सर, नो मेंटेनेंस है। मैंने काफ़ी जो गन्ना रो मीटर देखे हैं, टॉप में शिकायत ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें अलग अलग गियर होते हैं ना, तो टॉप में शिकायत ज़्यादा आती है। इसके टॉप में शिकायत तो नहीं है? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है टॉप में। बिल्कुल, अपने टॉप में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल, ये सिस्टम क्या है सर? सर इसे रकाब बोलते हैं, जो एडजस्ट होती है अपना आगे, मतलब उसको एडजस्ट करते हैं, जैसे 16 इंची पे है। अच्छा। अगर हमें 32 पे लेके जाना है तो ये रकाब ढीली करते हैं, यहाँ से जैक का इस्तेमाल करते हैं, जैक के इस्तेमाल से हम एडजस्टेबल बोलते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाकी इसमें लोहा वगैरह कौन सी कंपनी का लगाया सर? इसमें जो लोहा लगा हुआ है वो अच्छी कंपनी का, और जो गियर बॉक्स है वो ओंकार कंपनी का लगा हुआ है। सिंगल जी, स्पीड है ना? सिंगल स्पीड है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने आपको एग्रीगेट कंपनी के इम्प्लीमेंट दिखाया। सभी हमें एक बात बताओ जी सर, जैसे दर्शक भाइयों ने सभी इम्प्लीमेंट के बारे में जान लिया जी, क्या कीमत है, सब्सिडी में पास है, कितने स्पीड का ट्रैक्टर दिए, सब कुछ जान लिया जी, तो किसान भाई खरीदेंगे कैसे? सर जो नंबर दिए गए हैं यूट्यूब पर, अच्छा स्क्रीन पर जो नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके थ्रू आ सकते हैं। बिल्कुल, और जो वीडियो को शेयर और उसको करके आएगा तो उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दर्शक भाइयों, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे किसान भाई एग्रीगल कंपनी का कोई भी इंप्लीमेंट चला रहे हैं तो कमेंट में फीडबैक जरूर दें। बाकी आपको सर ने बताया है स्पेशल आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आस पास से देखा तुरंत यहाँ पे आए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक करिए जय हिंद जय किसान।